लखीमपुर के ऐतिहासिक दशहरा मेले पर संकट के बादल, नगरपालिका ट्रस्ट में मची रार। लखीमपुर का 162 वर्षों से निरंतर आयोजित होने वाला ऐतिहासिक मेला इस बार नगरपालिका और सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट के बीच चल रहे विवादों की भीड़ चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शनिवार 12 अक्टूबर को मेले की शुरुआत होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसका कारण दुकानदारों के लिए प्लाट का आवंटन न होना बताया जाता है। दूर दराज से आए सैकड़ों दुकानदार इस बार असमंजस की स्थिति में है। हर वर्ष की तरह इस बार भी सैकड़ों दुकानदार अपनी रोजी रोटी की आस लेकर यहां पहुंचे हैं, लेकिन नगरपालिका और ट्रस्ट के बीच चल रहे विवादों के चलते उन्हें अब तक दुकानें लगाने की अनुमति नहीं मिल सकी है। दुकानदारों ने सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट से दुकान लगाने के लिए रसीद कटवा ली है, लेकिन नगरपालिका इसे अमान्य घोषित कर उन्हें दुकान लगाने से रोक रही है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और मसले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है। दुकानदारों में आक्रोश है, निराशा है। हर गांव से आए दुकानदार रंजीत पटेल का कहना है कि बड़े लोगों की लड़ाई में छोटे दुकानदार पिस रहे हैं। वहीं शाहजहांपुर से आए रमेश श्रीवास्तव बताते हैं कि वो पिछले 20 बरस से मेले में दुकान लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार दुकान लगाने को लेकर असमंजस में है। अभी तक गदवतों की बात तो मेला जैसे लगता था, डेढ़ बाई डेढ़ लग जाता था, अब किसके हाथ में होता था ये कमेटी की बात है। कमेटी में गया पता ट्रस्ट है, दूसरा नगर पालिका है। हालांकि नगर पालिका अभी तक एको दिन यहाँ पे आई तो है नहीं भी, पर खबर भेज देती कि अपनी अपनी रसीदें कटवा ली। अच्छा, रसीद की बात है, जब पहली बार दुकानदारों का कहना है कि मैं गया था नगर पालिका तो वहाँ से हमें जवाब मिला था कि मेला मैं नहीं लगवा रहा हूँ इस बार, क्यों हमें घाटा होता है। दुकानदारों का ही कहना है, जो मिले उसके बाद फिर सब सेठ जी के पास गए, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग पैसे जमा करिए, मेला लगेगा। तो जो भी पैसा जिसका किसी सबका अलग अलग रेट है, सबने अपना अपना जमा कर दिया है। अब ये उनका मैटर गया हुआ है कोर्ट में, तो उनका कहना है कि 16 को जो फैसला आएगा उसी के आधार पर चाहे हम लगवाएं या नगर पालिका के पक्ष में आता है तो नगर पालिका लगवाए। तो हालांकि झगड़ा उनका है, अब किस रहा इसमें बेचारा दुकानदार, इतना मोटा पैसा खर्च करने बाद पता ही कहाँ कहाँ किस किस नगर से आता है, जिले से आता है। ऐसा हालांकि कभी आज तक 30-35 साल हमें मेला करते हो गए, आज तक कहीं ऐसा कोई विवाद नहीं कल, हुआ। कल रावण वध हो जाएगा हम लोग, नहीं इसमें हम लोगों की गलती नहीं, जब प्लाटिंग नहीं हुई है वहां से कोई सुविधा भी वो नहीं दे रहे हैं, न कमेटी न सेठ जी। और जो कि एक दिन पहले हम लोग दशहरे के विजयदशमी के एक दिन पहले हम लोगों का मेला चालू हो जाता था, दुकानें सारी ओके हो जाती थी। अब ये बढ़ जाएगा, करवा चौथ की बजाय जो होती थी, जो भी भाई आमदनी के ऊपर है अब वो भी हम लोगों की मर गई। आगे भी दिन जो नहीं मिलते हैं भाई, मेला डेढ़ बाई डेढ़ चलता है, दीपावली तक का था, उसके बाद हम लोग बैठे रहते थे, जाए तो जाए कहाँ, क्यों 15 दिन होता था गंगा स्नान समय, इसलिए हम लोग यहीं बैठे रहते थे। हालांकि अब सेठ जी का कहना है कि हम 15 दिन ही आपको दे देंगे दीपावली के बाद गंगा स्नान तक, मगर खाली यहाँ बैठने पर हमारा काम थोड़ी होगा, यहाँ तो जो घाटा है ही है। अब किराया भी बढ़ा दिया तुमने माया, 10% बढ़ जाता है, तो उस आधार पे हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। हम लोग इतनी मेहनत का पैसा है सब जानते हैं नगर वाले। अच्छा, दूर दराज से जो अब दशहरे वाले दिन आएंगे देखने यहाँ, वो देखेंगे यहाँ पूरा खाली पड़ा है, तो वो जब अपने 100 लोगों 500 लोगों को बताएंगे जाके कि वहाँ मेला नहीं लग रहा, तो उतनी संख्या कम आएगी मेले में, व्यापार हम लोगों का घटेगा, तो क्या मेला रह जाएगा, क्या उचित भाई, कोई वहाँ पे सुनने को भी नहीं तैयार ना। उनका कहना है सब कोर्ट का आर्डर है, जब कोर्ट का आर्डर होगा तभी आगे बात बनेगी। अभी कल परसों एसपी साहब आए थे, विपुल सेठ आए थे, उन्होंने बताया कि डीएम साहब आ रहे हैं, तो डीएम साहब नहीं आए, एसपी साहब आए थे, उन्हें जानकारी दी गई पूरी बात भाई, इसी समस्या हम लोग परदेसी आदमी सब, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, तो वो भी आश्वासन दे के चले गए कि ठीक है आगे बात रखेंगे हम आपकी भाई। हालांकि प्रशासनिक मेला नहीं है, प्रशासनिक ड्यूटी होती मेन चीज है, कमेटी है, उसे गया पता ट्रस्ट है। अब इन दोनों में आपस में ही ये चीज कर लेना चाहिए था, तो हम लोग इतना नहीं होता है इसमें। ओम प्रकाश। अच्छा, इस बार आप मेले में दुकानें नहीं लगी हैं, कैसा क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। लगने के कारण क्या है ये? तो भैया आपस में
कई वर्षों से आप दुकान लगाते हो, हमेशा हम देखते हैं आपकी रामबाण की दुकान लगती है। करीब 41 साल हमें बैठते हो गए, इससे पहले इस बार आप देख रहे हो यहाँ पर दुकानें नहीं लग पाई हैं, नहीं सज पाई हैं और रावण बधाज है, तो इस पर आपको क्या कहना है कि यहाँ पर क्या परेशानी है दुकान? परेशानी ये है कि रसीदे काट चुके हैं सेठ जी, जिसकी जगह है जो पहले पहला मेला के बैठी के मेला के बैठी करवाते हैं, जो रामलीला करवाते हैं। नगर पालिका का कहना है कि जब रसीद हमसे कटवाओगे तो तब उसमें दुकानें लगेगी, क्योंकि परंपरा 160 साल पुरानी ये है कि नगर पालिका मेला लगवाती आई है तो वो लगवाएगी। हमें यहाँ हो गए करीब 22 दिन पड़े हुए, माल सहित पड़ा हुआ मेरा 22 दिन पड़े हुए हो गए। पहले रसीद कटाने के लिए आए तो आज कटेगी कल कटेगी, नगर पालिका गए वहाँ माल हुआ, हम साल मतलब यासीम ग्राउंड में मेला लगाएंगे, बाद में वहाँ पैमाइश हुई सब कुछ हुआ, बाद में मना हो गया वहाँ मेला नहीं लगाएंगे। उसके बाद कहा गया कि हम लोग मेला नहीं लगाएंगे इस साल और सेठ जी मेला लगवाएंगे, तो सेठ जी कहें सेठ जी बोले थोड़े दिन बाद आइएगा हम फोन कर लेंगे आप लोगों को। जब सेठ जी ने फोन किया तो हम लोगों ने वहाँ रसीदें कटवाई, कुछ लोगों ने रसीदें कटवाई हैं और कुछ लोगों ने कुछ पैसा जमा किया है, और 7 लेबर मेरे पास है, चूड़ी दुकान यहाँ लगाते हैं, हमें 87 से मेला यहाँ कर रहा है। अच्छा, कोई ऐसी बात की है कि जब हमें इतने दिन रोका गया है तो कुछ हमें आगे बढ़ा के समय दिया जाए? नगर पालिका कह रही है कि हमसे रसीद कटाओ दुकानें लगाओ, जो रसीदें कटी उनकी दुकानें लग नहीं रही हैं तो हम लोग रसीद कैसे कटा लें? और फिर 70 रुपया कहाँ लें? 57,000 की जो दुकान है 18 फुट दुकान 57,000 की, 42,571 रुपये मीटर है पिछले साल का, और 10,000 की दुकान है। दुकान हमारी बहुत पुरानी है, लगभग 1965 से हमारे पिताजी लगाते थे। कहाँ की दुकान है आप? कॉस्मेटिक की, और उनके मतलब उनकी डेथ हो जाने के बाद हम लोग लगा रहे हैं, लगभग 34 साल से हम लोग आ रहे हैं। तो अभी तो आपका सामान सब बंधा रखा हुआ है, 2 दिन बाद जो है रावण दहन होना है, तो अब आपकी बिक्री क्या होगी जब बंधा पड़ा हुआ सामान? ऐसा है हम लोगों जैसे हैं तो थोड़ी ही दूर के, लेकिन यहाँ की जो निजी झगड़े की जानकारी थी, क्या झगड़ा बताया आपको बताया वो गया? हम लोगों से छिपाई गई, हम लोगों को, हम लोग 1 महीना पहले चेयरमैन साहिबा के यहाँ गए थे तो उनके द्वारा ये कहा गया कि अब की साल हम लोग मेला नहीं लगवा पाएंगे, कुछ हमारा झगड़ा करने का मूड नहीं है। उनका कुछ विवाद हुआ होगा गया प्रसाद ट्रस्ट के जो सरबराकार है विपुल जी से, तो हम लोगों ने फिर विपुल जी की तरफ रुख किया, क्योंकि दो ही पार्टियां यहाँ मेले में संलग्न थी, हमेशा से दो ही लोग मिलजुल के लगवाते हैं मेला जितनी भी दिन लगा। तो जब उनके यहाँ गए तो उनका जवाब था कि यदि नगर पालिका मेला नहीं लगवा पा रही है या कराने में असक्षम है तो फिर हम करवा देंगे, तो भगवान राम का मेला है और हमेशा से हमारे पूर्वज और गया प्रजा ट्रस्ट जो है वही करवाता आ रहा है। तो उन्होंने इस बात को कह करके हम लोगों को ये कह करके घर भेज दिया कि जाइए 8-10 दिन बाद हम आपको सूचना देंगे। फिर 8-10 दिन बाद हम लोगों को ये सूचना मिली कि मेले में मेले के जो रामलीला है उसके मंचन के कार्यक्रम प्लस मेले के जो रंगारंग कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक, दोनों कार्यक्रमों की जिम्मेदारी गया प्रसाद ट्रस्ट के सरबराकार विपुल जी ने ले ली है और पर्चे भी छपवा दिए हैं। तब हम लोगों को सेठ जी की तरफ से बुलावा आने लगा, फोन आने लगे कि भाई आप लोग जैसे नगर पालिका जब हाथ हटा रही है तो आप लोग हमसे रसीदे कटवाइए। तो हम लोगों ने कुछ अग्रिम किराया, कुछ पूर्ण किराया, कुछ दुकानदार पूरा किराया दे चुके हैं, कुछ 50%, कुछ 80%, ज्यादातर मतलब दुकानदारों ने विपुल सेठ से रसीदे कटवा ली। अब 24 तारीख के बाद जब NOC जारी होती है तब नगर पालिका सक्रिय हो जाती है कि अब मेला हम कराएंगे। अच्छा, इन दोनों कामों के बीच में हमसे ना सेठ जी की तरफ से कोई सूचना हमको दी गई, ना नगर पालिका ने हमसे ये बताया कि हमारा कोई निजी मुकदमा या विवाद इस जमीन का या कोर्ट में मतलब विचाराधीन है। हम लोग बाहरी दुकानदार, हम तो थोड़ा करीब के भी है, यहाँ उरई, कालपी, जालौन, झांसी, बनारस, बुलंदशहर, खुर्जा और हरदोई, मतलब प्रांत प्रांत के प्रदेश से दुकानदार, बलिया, आजमगढ़ देखे बैठे हुए हैं। तो दुकानदार सब बाहर से, बाहर के आदमी आपके निजी झगड़े की जानकारी तो रखता नहीं, उसको जो मालिकाना हक लेके दिखा। अच्छा, दोनों पार्टियां ही हमेशा लगवाती थी तो आदमी दो ही पार्टियों के पास गया, तो रसीदें जब काट दी गई
उसके बाद हम लोगों को बुलाया गया कि आप लोग अपनी दुकानें लेके आइए। दुकानें लेकर के हम लोग आ गए। उसके बाद लगभग 4-5 दिन पहले जब हम लोग यहाँ आए, तब यहाँ का मंजर कुछ और हमको भ्रमित किया गया। हमको पूरी जानकारी नहीं दी गई कि यहाँ मेले में विवाद चल रहा है और मेला का एक तिथि या कोई दिन विचाराधीन है हाई कोर्ट न्यायालय में। तब हम लोग भैया अपनी दुकानें लेकर के समस्त गाड़ियां आ रही आ गए। अब यहां पर आ करके हमको जब पूर्ण रूप से ज्ञान हुआ कि मेले में नगर पालिका भी चाहती है कि हम मेला लगवाएं, और सेठ जी को तो हम पैसा दे ही चुके हैं, तो परसों के दिन आईजी साहब और एसपी साहब यहाँ मोइने पर आए थे, तो उनके सामने भी हमने यही बात कही कि साहब हम लोग तो बाहर के दुकानदार हैं और अत्यंत ही गरीब दुकानदार हैं, क्योंकि मेले का दुकानदार खाना बदोसी की जिंदगी होती है ये, और धूल गर्दा मिट्टी खा करके सस्ता माल बेचने आते हैं। हम लोगों का डबल किराया ना हमसे लिया जाए। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं कि आप हस्तक्षेप करके हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। हम लोगों के 10 दिन खराब हो गए हैं, हम लोगों का सब घाटा ही घाटा है 3 सालों का। ऐसा कोई भी दुकानदार मेले में नहीं है जो इस साल 4 पैसे कमा के जाएगा। उसके बाद भी हम पर दबाव बनाया जा रहा है नगर पालिका का कि हमसे भी आप रसीदे कटवाइए। अब रोजबेज में सफर कर रहा हुआ व्यक्ति टिकट तो एक ही कटवाएगा, तो उसके 2-2 टिकट कैसे कट सकते हैं? हम लोग बाहरी दुकानदार हैं, ना यहाँ किसी कोर्ट में जा सकते हैं, ना किसी कचहरी में जा सकते हैं। हम लोगों के सब अलग अलग नाम और निजी पते हैं। तो हम आपके माध्यम से और लखीमपुर के संभ्रांत नागरिकों से अपने हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग हमारे पक्ष में आ करके कम से कम हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में कुछ विचार करके हम लोग आपके मेले की शोभा भी बढ़ाते हैं, और महीने भर यदि आपके शहर से हम 4 पैसे कमा के जाएंगे तो हमारे बीवी बच्चे हमारे साथ के दुकानदार आप लोगों की तारीफ करेंगे, दुआ देंगे। हम लोगों के जीवन बड़ा कष्टमय गुजर रहा है, लिहाजा हमको इतना ही कहना है कि भाई जिलाधिकारी महोदय जी, आप कम से कम हम लोगों का कुछ संज्ञान में हमारे लोगों की बात लीजिए। एसपी साहब तो सुन ही गए हैं, आईजी साहब भी सुन गए हैं। हम लोगों 16 तारीख के दिन के इंतजार में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को 16 तारीख के लिए क्यों रोका गया? कि 16 तारीख को कुछ जमीनी विवाद नगर पालिका का और ट्रस्ट का जो विचाराधीन है हाई कोर्ट में, तो उसके लिए कहा गया कि 16 तारीख के बाद ही हम आपको कोई निर्णय देंगे। यही बात सेठ जी की तरफ से कही गई। आप लोगों ने मतलब इस चीज को प्रशासन से क्यों नहीं कहा कि हम लोग आ चुके हैं तो हम लोगों को दुकानें लगाने दी जाए, तो इसका त्वरित क्यों नहीं निस्तारण किया जाए? ये बात कही गई, ये बात नगर पालिका में हमने कहा कि हमेशा आप लोग 8-10 दिन पहले एडवांस किराया ले लेते थे, इन साल मामला विवादित है तो आप हम लोगों को प्लाटिंग कर दीजिए और हम लोगों को दुकानों लगाने की अनुमति दीजिए, और कोर्ट का फैसला में जिसके पक्ष में जाता है हम लोग सारा किराया उसको देंगे। लेकिन नगर पालिका इस बात पर एग्री नहीं है। वो कह रही पहले रसीद कटाइए उसके बाद दुकान लगाइए। अब रसीद कटाने के लिए हम जो जोर बटोर के पैसे लाए थे वो हमने एक व्यक्ति को सौंप दिए। अब हमारे पास खाने के पैसे और लोडिंग के पैसे नहीं है जो अपनी दुकानें लाद कर दोबारा वापस अपने घर जाएं, तो रसीद के पैसे, और रसीद यहाँ महंगी है। इस मेले में हम लोगों को 2 पंचवर्षीय में यहाँ 60% किराया बढ़ा दिया गया। सैलेंद्र प्रताप से। कहाँ से आए? हम आए हैं चंदौली, पड़ता है बनारस के पूर्वांचल है। पूर्वांचल से। तो कब से यहाँ पर दुकान पड़ी हुई है आपकी? हमारी दुकान समझिए हम लोग साथ के ही हैं, और दुकान तो हमारी यहीं पड़ी है, सांडी है, पड़ता है यहाँ से। कितने दिन हो गए हैं? यहाँ 4 दिन आए हुए, इसके पहले भी आए थे। आपको दुकान यहाँ क्यों नहीं खोलने दी जा रही? अब यहाँ पर यही है कि बताया जा रहा है कि 16 तारीख को जो है यहाँ पर फैसला आना है, जब फैसला आ जाएगा तभी आप लोगों को आवंटन होगा। अगर फैसला नहीं आता है तो क्या होगा? अब तो हम आप ही लोगों के सारे जो है यहाँ के जो है नगर पालिका है, यहाँ के जो है गया प्रशासन जो है ट्रस्ट है, अब इसी के अधीन है हम लोग। जिला बलिया उत्तर का निवासी यहाँ 6 सेकंड, आज मुझे 27 दिन हो गए यहाँ पड़े हुए। 27 दिन हो गए? 27 दिन मुझे हो गए पड़े हुए। पैसा भी मैं जमा कर चुका हूँ, 4 दुकानें हमारी, मैं 4 रसीदे कटा चुका हूँ सेठ जी से, और सारा पैसा मैं जमा कर चुका फुल पेमेंट। अब ना मेरे पास खाने का पैसा है, ना घर जाने का पैसा है, और दुकान भी मेरी आ गई। अब बताइए, उन्होंने अगर पहले बता दे 16 तारीख का अगर ये मैटर है तो मैं रसीदे क्यों कटवाता था? आप दुकानदार लोग डीएम साहिबा से नहीं मिले? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट और नगर पालिका की लड़ाई है इसमें। नहीं, इसका समाधान तो प्रशासन ही करेगा। प्रशासन का तो प्रशासन सुने तब तो एसपी साहब करने लगाइए आप लोग। हाँ,
अब यहाँ तो कहीं से परमिशन नहीं है, न ट्रस्ट दे रही परमिशन, ना दे रही नगर पालिका। हम लोग किस बस पे लगा देते हैं, भी नहीं कटा हुआ है। मेला 10 दिन पहले पैसा जमा होता था, सफाई हो जाती थी, दुकान लग जाती थी, दुकानें खुल जाती थी। अब तक अब बताइए आज 11 तारीख है, अब कल रावण वध है, कल से मेले की डेट चालू है इनका। अब दुकानें हमें 16 के बाद ही देंगे, 16 का फैसला आएगा कोर्ट का, क्या होगा क्या नहीं होगा ऊपर वाला जाने, कोर्ट क्या जजमेंट देगी अपना, उसके बाद ये डिसीजन देंगे कि दुकान मेला लगेगा या नहीं लगेगा। इतने हम पड़े हुए, इतना खर्च कर डाला, ये कहाँ से हमको पैसा मिलेगा, ये खर्चा देंगे हमारा। कहाँ रहते हैं? हमारा ग्राम कदुआपुर, जिला लखीमपुर खीरी। आपकी काहे की दुकान है? हमारी ज्वेलरी की दुकान लगती है। अच्छा, जर्नल के नाम से हमारी रसीद कटती है नगर पालिका से। सर्वप्रथम हम जब आज के समथिंग 1 महीना पहले नगर पालिका चेयरमैन साहिबा से संपर्क करने गए, तो हमको ये इन्होंने ये देखे आश्वासन देके वापस कर दिया कि हम इस साल मेला लगाने में असमर्थ हैं। मैं नवंबर के महीने में GIC फील्ड में लखीमपुर महोत्सव के नाम से मेला कराऊंगी। तो हम लोग सीधे वापस गया प्रसाद ट्रस्ट श्री विपुल जी से मिले, सेठ विपुल जी से मिले, उन्होंने हमारी रसीद काटी और हमें जगह आज तक नहीं मिल रही है। आप लोग विपुल सेठ से क्यों नहीं बराबर कह रहे हैं कि तो उनसे मैं बात करता हूं तो बोल रहे 16 तारीख को आपको जगह मिलेगी। तो रसीद क्यों काट दी है, ये क्यों कह रहे हैं आप लोगों ने नहीं था? अगर आप आपका विवाद था 16 तारीख को दुकानें हमें खोलने को मिलेंगी, तो आपने पहले से रसीद क्यों काट दी? अरे तो बाद में नगर पालिका, उनका कहना नगर पालिका जो है मुकदमा कर दिए है, उसका फैसला 16 तारीख को लगा, 16 तारीख के बाद ही डिसीजन हुई। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे जितने दिन आपका जो है इधर हटा हो रहा है, कहीं से पूरा किया जा सकता है? अब ये तो उनकी मनमानी होगी, पूरा करें या ना पूरा करें। रखेंगे या नहीं? बिल्कुल रखेंगे, हम लोग कार्तिक पूर्णिमा तक बैठते थे, कार्तिक पूर्णिमा तक बैठेंगे और किराया आधा किया जाए। हाँ, इसकी 30,000 की रसीद, उसकी 15,000 की, उसकी 40,000 की, उसकी 20,000 की, यही मांग रखेंगे हम लोग। मामले में नगर पालिका परिषद लखीमपुर की चेयरमैन डॉक्टर इरा श्रीवास्तव का कहना है कि ट्रस्ट ने बिना अधिकार के रसीद काटी है, जबकि नगर पालिका से अनुमति लिए बिना कोई दुकान नहीं लग सकती। वहीं सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट के सर्वाहकार विपुल सेठ बताते हैं कि उनकी संवेदनाएं दुकानदारों के साथ है और उन्होंने पूर्व की तरह ही रसीदें काटी है। पैदा कर रही है दुकानदारों को, दुकान लगाने में अवरोध पैदा कर रही है, उनको धमकी देती है कि अगर आपने दुकान लगाई तो आपका सामान भर ले जाएंगे, जबकि उनके पास ऐसा कोई लिखित हमारा अनुबंध नहीं है और ना ही उनके स्वामित्व की जमीन। मगर फिर भी किस कारण से, किस विचार से नगरपालिका ऐसा कर रही है, मैं नहीं समझ रहा हूँ। और मैं तो दुकानदारों के साथ हूँ और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि दुकानदारों का किसी प्रकार का अहित हो। ये बड़े ही शर्म की बात है अपने लखीमपुर नगरवासियों के लिए कि नगरपालिका इतना ज़्यादा दोहन दुकानदारों का कर रही है और करने का प्रयास कर रही है। ये बहुत ही शर्मनाक बात नगर पालिका के लिए, जिसमें प्रशासन की साठगांठ भी शामिल है, क्योंकि जब ज़मीन ट्रस्ट की है, ट्रस्ट अब 160 वर्षों से मेले के आयोजन करता चला रहा है, तो उनको क्या किस बात की अड़चन है? मैंने तो मेरी जब बैठक हुई अधिकारियों के साथ, तो मैंने कहा अगर नगर पालिका मेला करना चाहती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहती है, तो मैं ट्रस्ट की तरफ से उनको एक पंडाल लगा के दूंगा, जैसा लगता था जो साउंड लगता है, मैं साउंड लगा के दूंगा उनका, और मैं उनको लाइट की व्यवस्था करके दूंगा। उसके अलावा नगर पालिका को सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट कुछ फंड उनको देगा ताकि वो अपने कार्यक्रम का आयोजन कराएं। नगर पालिका तब भी राजी नहीं हो रही है। नगर पालिका का पता नहीं क्या सोचना है, क्या उसकी मानसिकता है और क्या भविष्य में करना चाहती है मेले को लेके, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। सर अब तक कैसे होता रहा ये सब मेले का कार्यक्रम? मेले का कार्यक्रम आप देख रहे हो, दुकानों का आवंटन सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट करता था और नगर पालिका को ओरल कंसेंट, एक मौखिक रूप से एक कंसेंट होती थी, तो वो कार्यक्रम कराने के लिए पैसा वो भी सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट के थ्रू दिया जाता था। नगर पालिका जो कार्यक्रम कराती थी वो पैसा भी सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट का ही है, वो नगर पालिका का नहीं है। नगर पालिका ने पिछले वर्ष दुकानदारों का शोषण किया, दुकानदारों का शोषण किया, एक समाज में एक मैसेज जा रहा है कि वहाँ के मेले में बेईमानी ठगी होती है, क्योंकि रामलीला और मेला दोनों सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट कराता है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक की बदनामी है।
और कहीं ना कहीं हमारे नगर की बदनामी कि जो लखीमपुर का मेला लग रहा है वहाँ पर ठगी ज़्यादा हो रही है और इन्हीं लोगों का उसको दुकानदारों को परेशानी हो रही है। सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, आर्थिक दंड उनको पड़ता जा रहा है। रसीद तो कटाएंगे कटाएंगे, रसीद के अलावा भी वो बहुत से उनके तमाम ऐसे साधन थे जिनसे वो पैसा उनसे संग्रहित करते थे, जो लगातार गलत है। इसका विरोध प्रेस हमेशा करता रहा और उसी का विरोध मैंने किया। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि आप दुकान लगाओ, तो दुकान लगाने का प्रयास उन्होंने किया। नगर पालिका किस आधार पर मना कर रही है मैं इसको समझ नहीं पा रहा। ज़मीन हमारी है, मैंने रसीद काटी है, उनसे मैंने पैसा लिया है, वो दुकानदार हैं, पिछले 30 सालों से 40 सालों से कोई किसी की दूसरी पीढ़ी किसी की तीसरी पीढ़ी दुकानदार आ रहे हैं, मगर नगर पालिका उनको अवरोध पैदा कर रही है, वहाँ पर अपनी जैसी भेज देती है कि अगर दुकान लगाएंगे तो आपकी दुकान उखाड़ के फेंक देंगे, उठा ले जाएंगे, आप रसीद मुझसे कटाइए, ये नगर पालिका कह रही है। नगर पालिका रसीद काटने पर क्यों आमादा है उसको जान नहीं पा रहे, क्या उसके स्वामित्व की ज़मीन है, वो अगर सिद्ध कर देती है हमारी ज़मीन है तो हम छोड़ देंगे। नहीं, योगी जी से वो किस लिए मिलने गई इसका हमें कोई उसमें आशय हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो एक नगर पालिका की अध्यक्ष महोदय है और जो अध्यक्ष नगर पालिका की जो अध्यक्ष है उसकी भी अध्यक्ष है वो जो सी यूनियन है, तो किन कारणों से मिलने गई इसका हमें कोई अंदेशा नहीं है। और अगर कुछ मिलने गई है, अगर कुछ वहाँ से उनको दिशा निर्देश मिलेगा, अधिकारी कुछ पूछेंगे उसका जवाब देंगे। देखिए मेरा एक बात कहना था, अगर आपके माध्यम से मैं भी एक बात कह दूँ, अगर इसको संबंधित लोग अगर हमारी बाइट आपके माध्यम सुन रहे हैं तो मेरा उनसे ये कहना है कि देखिए फैसला 16 को कुछ भी आए, जैसे होता चला आ रहा वैसे हो या किसी नए तरीके से, वो एक अलग विषय है। दुकानदारों का पैसा ले लिया है मैंने, मैं स्वीकार करता हूँ, और मैंने कोई जबरन पैसा नहीं लिया, दुकानदार स्वेच्छा से आए, उन्होंने रसीद कटाई, मैंने कटा उनका काटा। मैं तो कहता हूँ कि नगर पालिका को भी बड़ा दिल करना चाहिए, जो अध्यक्ष महोदय हैं, और उनकी दुकानें लग जानी चाहिए, दुकानें लगवा देनी चाहिए। अगर 16 तारीख को फैसला पक्ष में आता है हमारे तो कोई बात नहीं, अगर हमारे पक्ष में नहीं आता है और उसी पक्ष में आता है कि जैसे हमेशा होता रहा वैसे हो, तो जो मेरा पैसा उसमें हम लेते हैं उतना पैसा लेके हम बाकी दुकानदारों का पैसा वापस कर देंगे। इसमें दो तरीके हैं, इसमें दुकानदारों का समय व्यर्थ नहीं होगा, उनका नुकसान नहीं होगा, नगरवासियों जो पूरे साल भर उसकी प्रतीक्षा करते हैं मेले की कि हमको मेला देखना है, हमारे पूरे जिले का एक प्रदेश का माना हुआ मेला लखीमपुर का है, 160 वर्ष से अनवरत चला रहा है, उसमें भी एक आपके शहर का गौरव बढ़ेगा अगर आप बड़ा दिल दिखाएंगे। आप उनको दबाव बना रहे रसीद मेरी कटवाइए, भाई मैं तो कहीं जा नहीं रहा, मैं ज़िले का निवासी हूँ, शहर का निवासी हूँ, हमारा एक पैतृक निवास है, मैं निवास करता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि अगर 16 तारीख तक आप दुकानें लगवा दीजिए, आप अवरोध ना पैदा करिए, बात तो स्वामित्व की है, अगर कहीं आपके पक्ष में आता है तो दुकानदार को जो पहले पैसा लिया है मैं उनका पैसा वापस कर दूंगा, जो मेरा ऐसा वो लेके बाकी पैसा वापस कर दूंगा, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, इसमें क्या आपत्ति उनको होनी चाहिए। ये तो एक बड़े बड़ा दिल करके अपनी बात करें और कराएं। प्रशासन से मेरी 2 बार मीटिंग हो चुकी है और मैंने उनको सारे कागज़ दिखाए हैं, उन्होंने पूरे मेरे कागजों का अवलोकन किया है, और सदर अपने SDM साहब हैं, उन्होंने लेखपाल को बुलाया था, ADM साहब हैं, उन्होंने मेरे कागज़ का अवलोकन किया है, कागज़ सारे ट्रस्ट और सेठ परिवार के पक्ष में है, कागज़ नगर पालिका के पक्ष में कोई नहीं। नगर पालिका एक समाज में नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और वो कह रही है कि मेला नगर पालिका कराती है, मेरी तरफ से कोई विवाद नहीं है, इस पर तो प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और स्पष्ट रूप से कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो ये नहीं आपसे कह रहा हूँ मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने पैसे लिए। फिलहाल 162 वर्षों से हो रहा लखीमपुर का ऐतिहासिक मेला विवादों में घिर गया है, जल्द ही मामले का निपटारा नहीं हुआ तो आयोजन न हो सकेगा, जिससे दुकानदारों के साथ शहरवासियों को भी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल लखीमपुर का ऐतिहासिक मेला अब फीका हो चला है, दूर दराज से आए लोग मायूस होकर वापस जा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने मेले को लेकर अनुमति देते हुए मेला कोतवाली भी स्थापित कर दी है। ADM संजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले के आयोजन की जिम्मेदारी नगर पालिका की ही है, मेले में खलल डालने वाले लोगों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।